किसी भी मुल्क में ज़रिए तरक्की के लिए नहरी पानी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन जब उस मुल्क के नहरी निज़ाम का कंट्रोल एक ऐसी अफसरदा मैनेजमेंट के हाथ में हो जो नहरों का पानी सिर्फ वडेरों, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और बासर फौजियों को ही फराहम करे, तो उस मुल्क के गरीब किसान सिर्फ खुदकुशियाँ ही करते हैं। ऐसे ही हालात आजकल पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जहाँ पर दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम मौजूद होने के बावजूद मुनसिफाना तरीके से किसानों को पानी मुयसर नहीं है। इस मुल्क में जरूरत मंदों की बजाय ब्यूरोक्रेट्स और बासर लोगों को वाफिर मिकदार में पानी मुहैया किया जाता है। आज का हमारा मौजू इरिगेशन सिस्टम पर है कि पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन नहरी निजाम कैसे बनाया गया, जबकि इसका 80% पानी हकदार किसानों तक क्यों नहीं पहुंच पाता। मौजूद नजरिन, सरजमीन पाकिस्तान पर आबपाशी की तारीख 2500 BC में वादी सिंध की तहजीब से मिलती है। कदीम तहजीब ने फसलों को सैराब करने के लिए नहरों और डैमों का जदीद तरीन निजाम बनाया। ये निजाम दरिया सिंध और उसकी मौमें नदियों के कुदरती बहाव पर मबनी था। बरतानवी राज के दौरान आबपाशी के निजाम को वसत और जदीद बनाया गया। अंग्रेजों ने आबपाशी के लिए दस्तियाब पानी की मकदार बढ़ाने के लिए बड़े डैम और नहरें तामीर के। 1930 की दहाई में सखर और तौसा बैराज की तामीर उस दौर में एक बड़ी कामयाबी थी। 1947 में पाकिस्तान की आजादी के बाद हुकूमत ने आबपाशी के निजाम में सरमायाकारी जारी रखी। 1970 की दहाई में तरबेला डैम और 1960 की दहाई में मंगला डैम की तामीर आबपाशी के निजाम की तोसी में अहम संगे मील थे। आज पाकिस्तान का आबपाशी निजाम दुनिया के बड़े निजामों में से एक है। ये 16 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा के रकबे पर मुहित है, जो मुल्क के खेतों को पानी फराहम करता है। ये निजाम नहरों, डैमों और आबी जखैर के नेटवर्क पर मबनी है, जो दरिया सिंध और उसकी मौमें नदियों से मिलते हैं। पाकिस्तान में जरिए इस्तेमाल में आने वाला तकरीबन 75% आबपाशी का निजाम नहरी पानी पर मुनहसर है। मुल्क में इस वक्त 3 बड़े और तकरीबन 100 छोटे डैम है। इन डैमों के साथ पानी की जरूरत पूरी करने के लिए 19 बैराज बनाए गए हैं। इन डैमों और बैराजों से खेतों को पानी फराहम करने के लिए 12 इंटरलिंक केनाल और 45 बड़ी नहरें निकाली गई हैं। ज़ेर ज़मीन पानी को इस्तेमाल करने के लिए तकरीबन 1 मिलियन ट्यूबवेल लगाए गए हैं। पाकिस्तान में नहरें आबपाशी का सबसे मकबूल जरिया है, क्योंकि ये बहुत सस्ते नरखों पर वाफिर मकदार में पानी फराहम करते हैं। पाकिस्तान में नहरों की 3 अकसाम है। पेरेनियल नहरें जो सारा साल बहती हैं, जबकि नॉन पेरेनियल नहरों के बहाव का दौरान या 12 महीनों की बजाय सिर्फ चांद महीने, और तीसरे नंबर पर सिलाबी नहरें जिनसे सिर्फ सिलाब का पानी गुजारा जाता है। पाकिस्तान की अहम नहरें दरियाए सिंध, झेलम और चनाब से निकाली गई हैं। इन दरियाओं में गर्मियों के दौरान पानी की ज्यादा ज्यादा मिकदार होती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में पानी का बहाव 84% कम हो जाता है। पाकिस्तान में आबपाशी के निजाम को दरपेश सबसे बड़े चैलेंजों में पानी की कमी, फसूदा इंफ्रास्ट्रक्चर, सियासी और ब्यूरोक्रेटिक असर रसूख के साथ पानी की चोरी है। मौजूदा नाज़रीन, दरियाए सिंध और उसके मौमें दरिया बर्फ पिघलने और मूनसून के बारिशों पर बहुत ज्यादा इन्हसार करते हैं, जो कि गैर मुतवक्के हो सकती हैं। यानी मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के आबपाशी के निजाम के लिए बढ़ती हुई तश्वीश है। बढ़ता हुआ दर्जा हरारत और बारिश के बदलते हुए पैटर्न मजीद खुश्क साली और सैलाब का बैस बनकर इस निजाम को मजीद दबाव में डाल सकते हैं। नहरों, डैमों और आबी जखैर समेत बुनियादी ढांचा खेतों में पानी की तकसीम में अहम किरदार अदा करता है, और इसका सही काम करना आबपाशी के निजाम की कारकर्दगी के लिए जरूरी है। ताहम देखभाल और सरमायाकारी की कमी की वजह से इनमें से बहुत से ढांचे खराब हालत में हैं, जिन्हें मुरम्मत की जरूरत है। ये रसाव और खिलाफ वर्जियों के जरिए पानी के नुकसान का बैस बन सकता है। इस तरह फसल की पैदावार में कमी वाकई होती है। मजीद बड़ा आबपाशी का नाकारा निजाम पानी को जाया करने का सबब बनता है, जिसके नतीजे में बाज इलाकों की ज्यादा आबपाशी और दूसरों की कम आबपाशी हो सकती है। इसके अलावा आबपाशी के निजाम से पानी का ज्यादा अखराज पानी के वसाइल को खत्म कर सकता है और इर्द गिर्द के माहौल पर मनफी असरात डाल सकता है। पाकिस्तान के नहरी निजाम को दरपेश एक और मसला मुतलका हुकाम की बात इंतजामी है। ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां पानी की तकसीम गैर मसावी और गैर मुनसफाना रही है, जिसके नतीजे में सूबों और किसानों के दरमियान तनाजात पैदा हुए। पानी की चोरी मुख्तलिफ तरीकों से होती है। अक्सर नहर के ऊपर वाले बासर लोग मोगा या आउटलेट का साइज बढ़ा देते हैं। पाकिस्तान में 6 इंच से ज्यादा के आउटलेट की इजाजत नहीं है, लेकिन बासर लोगों की जानिब से इन्हें 18 इंच से ज्यादा चौड़ा किया गया है, जो की एक बड़े बैरल का कुतर है। आप शायद ही महकमा आबपाशी से ये तवक्को कर सकते हैं कि वो इतराफ करेगा कि उनका महकमा रिश्वत ले रहा है, लेकिन हजारों किसान इस बात की गवाही देंगे कि वो रिश्वत या असर रसूख के जरिए गैर कानूनी आउटलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। मौजूद नाज़रीन, सिंध के हालात और भी खराब हैं। सिंध में किसान या तो सियासतदान है या सियासी तौर पर जुड़े हुए हैं, जो कोटरी बैराज से आगे पानी जाने ही नहीं देते। हरा केनाल सिंध की 14 नहरों में से सबसे लंबी सखर बैराज के ऊपर तकरीबन 355 किलोमीटर तक चलते हैं। नहर के टेल एंड पर किसानों को 13,000 क्यूसेक पानी फराहम करना जरूरी है, लेकिन सखर से
सांघर तक 2500 से 3000 क्यूसेक के दरमियान पानी निकल जाता है, जहां खेती बाड़ी के बड़े हिस्से बासर जिम्मेदारों की मलकियत है, जिनमें पार्लियामेंट, फौज और ब्यूरोक्रेट शामिल है जो कपास, गन्ना, चावल और गंदम उगाते हैं। दूसरा, सिंध में हुक्मरान खानदान की नहरें पानी से भरी हुई है, जबकि आबादकारों गरीबों की नहरों में पानी नहीं है। यहाँ असल पानी चोर सिंध के हुक्मरान है। सिंध में मुखालफिन की जमीनों का पानी बंद करके इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाता है। यहाँ जरदारी खानदान के गैर कानूनी कनेक्शन है, जहाँ से पानी डायरेक्ट चोरी किया जाता है। बासर सियासतदानों और फौज की मिली भगत से पाकिस्तान की आबपाशी की नहरों से बेताशा चोरी का मतलब है कि नीचे की तरफ आने वाले किसान अब फसलें नहीं उगा सकते। दरिया सिंध के नहरी निजाम का नक्शा, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मुसलसल आबपाशी का निजाम कहा जाता है, लेकिन यहाँ किसान पानी बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। नहरों के ऊपरी हिस्से में किसानों के पास चोरी शुदा पानी तक गैर महदूद रसाई है और इसलिए पानी के तहफ्फुज़ के तरीकों को अपनाने की जरूरत भी महसूस नहीं करते। ऐसी ही एक मिसाल चोलिस्तान की है, जहां कई सालों से रिटायर्ड और मौजूदा फौजी एहलकार, जो कि चोलिस्तान के सहराए कासम वाला में जमीनों के बहुत बड़े हिस्से के मालिक हैं, बड़ी मकदार में पानी चोरी कर चुके हैं। उन्होंने एक पूरी नहर सहरा को हरा भरा करने के लिए मोड़ दिया और वहाँ पानी से भरपूर फसलें जैसे चावल और गन्ने की काश्त कर रहे हैं। मौजूदा नजरिया जदीद तहकीक से पता चलता है कि नहरों से खालों में मुंतकिल होने वाले पानी की 50% से ज्यादा मकदार खेत तक पहुँचने से पहले ही जाये हो जाती है, जिसकी बुनियादी वजह खालों की नापुख्तगी, खराब बनावट और इंजीनियरिंग के मियार के मुताबिक ना होना है। इन खाला जात की इसलाह से पानी की सालाना बचत तकरीबन 229 एकड़ फीट फी खाल से ज्यादा हो सकती है। पाकिस्तान में नाहमवार जमीन पर काश्त भी एक अहम मसला है। जमीन की हमवारी, बाजरिया, लेजर लैंडिंग, लेवलिंग, खाला जात में ज्या के अलावा आबपाशी के दौरान तकरीबन 40% पानी नाहमवार खेतों में जरी रकबा जात की नामुनासिब हदबंदियों की वजह से जाये हो जाता है, जो पैदावार में कमी का बायस बनता है। रवायती तरीके से जमीन की हमवारी के बरक्स लेजर लैंड लेवलिंग से आबपाशी के पानी के ज्या में 35% कमी और फसलों की पैदावार में 23% इजाफा किया जा सकता है। हुकूमत पंजाब और आलमी बैंक के तआवुन से हजारों लेजर यूनिट सब्सिडी पर काश्तकारों को फराहम किए जा चुके हैं और ये टेक्नोलॉजी सूबा भर के काश्तकारों में इंतहाई मकबूल है। मौजूद नाजरीन, जदीद आबपाशी का फरोग, पानी की कमी, जरी मुदाखिल पर आने वाली लागत में इजाफा और खुराक की बढ़ती हुई जरूरत के पेश नजर आलमी बैंक के तआवुन से जदीद निजाम में आबपाशी ड्रिप और स्प्रिंकल मुतारिफ करवाया गया है। ये टेक्नोलॉजी काबिल काश्त रकबा यानी ना हमवार जमीन, गैर नहरी और बारानी इलाकों में आबाद करके पंजाब की ज़राअत में इनकलाब बरपा कर रही है। इस जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए किसानों को सब्सिडी मुहैया की जा रही है। इस निजाम में आबपाशी की तनसीब से 50% तक पानी की बचत और 40% तक खाद की बचत के साथ साथ तकरीबन 60% तक पैदावार में भी इजाफा होता है। ये निजाम आबपाशी काश्तकारों को रिवायती काश्तकारी से मुनाफा बख्श फसलों यानी सब्जियों और बागात की काश्त की तरफ रागिब कर रही है। इस टेक्नोलॉजी के बगैर खित्ता पोठवार को जैतून और अंगूर की वादी बनाना नामुमकिन था। ये बात भी आया है कि पाकिस्तान की ज़राअत का मुस्तकबिल इस टेक्नोलॉजी पर ही मुनहसर है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले पहले 10 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है और गुज़िश्ता चंद सालों से हमारी ज़राअत मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से शदीद मुतासर हो रही है, जिसका बराह रास्त असर किसान पर पड़ रहा है। इन असरात को कम करने के लिए महकमा आबपाशी की जानिब से मुनाफा बख्श ज़राअत को फरोग दिया जा रहा है। जरी साइंसदानों के मुताबिक पाकिस्तान में ड्रिप इरीगेशन के निजाम को सोलर सिस्टम की मदद से कामयाबी से चलाया जा सकता है, क्योंकि सुबह पंजाब में एक साल में तकरीबन 300 दिन तक सूरज की रोशनी एक मौसर मकदार में रोजाना 8 घंटे तक दस्तयाब होती है।